लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बीकानेर के बिछवाल पुलिस थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को भैला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लड़की के पिता ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि खारी चारण निवासी राकेश नायक पुत्र मांगीलाल नायक, जो कि उसकी नाबालिग पुत्री को भैला फुसलाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। श्रीगंगानगर पॉजिटिव मरीज को बीकानेर पीबीएम में शिफ्ट। बीती रात को श्रीगंगानगर में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज को बीकानेर पीबीएम अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। पीबीएम से मिली जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर का कोरोना पॉजिटिव मरीज हार्ट पेशेंट है। इसको मद्देनजर रखते हुए मरीज को पीबीएम अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहां बाहर से वही मरीज शिफ्ट होकर आते हैं जिनकी स्थिति नाजुक होती है या फिर अन्य बीमारियों से पीड़ित होते हैं। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं 15 जुलाई के बाद। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं अब जून के पहले सप्ताह में मुमकिन नहीं होंगी। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी ने जून के पहले हफ्ते से परीक्षाएं कराना निर्णय लिया था, लेकिन अब परीक्षाएं 15 जुलाई के बाद कराने का सुझाव दिया है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को फोन कर चर्चा की। बस में मिला फांसी पर लटका अधेड़ का शव। इलाके में फैली सनसनी। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में आज सुबह थाने के बाहर पेट्रोल पंप के सामने खड़ी निजी बस में एक अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह जब लोगों को पता चला तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस का दरवाजा खुलवाया गया, जिससे एक व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ था। नयापुरा थाना पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को एमबीएस अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी है।